दोस्तों, जिस दिन से आधार यूपीआई की शुरुआत हुई थी उस दिन से आज तक 1 साल पूरे हो चुके हैं। और आधार यूपीआई की बात की जाए तो अभी तक टोटल यहां पर 30 से 35 बैंकों में आपको देखने को मिल भी चुका है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को कमेंट यह आ रहे थे, जो बड़े बैंक है आपके SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस बड़े बैंकों में आपको क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक भी आपके जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब बड़े बैंक जो है देश के बड़े बैंकों में शुमार है। लेकिन इसमें आपको आधार कार्ड से UPI रजिस्ट्रेशन वाला फीचर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है और कब तक देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो आधार UPI कब तक आएगा, इसको लेकर ऑफिशियल कोई यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी हुई, ना ही NPCI ने जारी की है, ना ही RBI ने जारी की है, ना ही कोई बैंक यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, इसके बारे में कोई कन्फर्म डेट को नहीं बता रहा है। हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पर कोई भी जो है फीचर को पूरी तरह से लागू होने में, पूरी तरह से चालू होने में 1 ईयर का टाइम लगता है। जैसे आपको पता ही होगा कि 2022 में जून महीने में आधार UPI वाला फीचर आया था, तो आपका यहाँ पर जून 2023 चल रहा है, तो हो सकता है इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने तक आपको देखने को मिल जाए। इसको लेकर 100% श्योर तो नहीं, क्योंकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। हम आपको बता दें, कुछ फीचर इस साल भी लॉन्च हुए, जैसे आपका यहाँ पर लॉन्च हुआ है UPI लाइट का फीचर लॉन्च हुआ, जो पूरी तरह से यहाँ पर चल भी रहा है। एक फीचर आपका लॉन्च हुआ है ई-रूपी का, तो ई-रूपी फीचर इसमें पर लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन यह फीचर पूरी तरह से आपको यूज करने के लिए 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। अगले साल तक सभी बैंकों में सभी लोगों को यूज करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। ऐसे ही आपका आधार बेस्ड UPI रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, उसका सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1 ईयर का टाइम हो चुका है, हो सकता है आने वाले अगले महीने में आपको देखने को मिल जाए। तो आपको चेक करते रहना है और साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आधार UPI से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसके चैनल पर तुरंत ही वीडियो देखने को मिल जाती है।